इन हमने जो पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन के हमने एनिमल्स को कैसे बांटा, लाइक अभी आपका कंसेप्ट है फाइव फिंगर्स का, हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, हर किसी की क्लास अलग अलग है, जैसे कि एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, समझ रहे हो, एक किंगडम है, किंगडम में उसका एनिमल्स तो उसका फाइलम है भाई, अलग अलग है भाई, हर कोई अलग अलग है, मच्छर भी एनिमल है, हम भी एनिमल है, मच्छर भी एनिमल है और हम भी एनिमल है, क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक सेम है, नहीं सेम नहीं है, तो हमने उसको क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। अब एक छोटा सा बैक्टीरिया है वो भी एनिमल के अंदर आ रहा है, ठीक है, छोटा सा मच्छर है, लेकिन हम सब अलग अलग है। सबसे पहले हमने क्लासीफाई किया सेल के बेसिस पे, तो सेल के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन जो हमने करी है इसमें क्या, यूकैरियोटिक सेल, देखो सेल दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्या पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक, देखो वर्ड कैरियोन, जो यूकैरियोटिक है ना, यहाँ पे जो कैरियो का मतलब है, किसका मीनिंग है, कैरियो का, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, क्या मीनिंग होता है, न्यूक्लियस, जिन सेल में सच्चा न्यूक्लियस होता है होता है ट्रू न्यूक्लियस, मतलब एक्चुअली इनके अंदर न्यूक्लियस है, इसलिए नेक्स्ट लाइन देखो क्या ही, इंक्लूडिंग ए न्यूक्लियस, इनके अंदर क्या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस होगा, एक बात याद रखना, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना उसी के अंदर ही हमारा डीएनए होता है, उसी के अंदर हमारा आरएनए होता है, मेन जेनेटिक मटेरियल हमारा इस न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, ये आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है, 9th में पढ़ लिया कि जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो इस न्यूक्लियस के अंदर ही है, तो सारी, अब ये न्यूक्लियस क्या अलाउ करता है, ये न्यूक्लियस अलाउ करता है जितनी भी सेलुलर प्रोसेस होनी है, लाइक सेल को कुछ करना है, सेल को अगर प्रोटीन बना रहा है तो पहले डीएनए कहेगा ना भाई ये वाला प्रोटीन बना, तो डीएनए आदेश देता है हर चीज़ का, हमारी बॉडी में हम सबकी शेप वगैरह सब किस पे गई है, पेरेंट्स पे, तो पेरेंट्स से क्या है, तो एक्चुअली डीएनए, तो ईच एंड एवरीथिंग कौन किस चीज़ से मैटर कर रही है, डीएनए पे, तो डीएनए ही अलाउ करता है कि सेलुलर प्रोसेसेस कैसी हो जाती है, मतलब डीएनए किस में, न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस ही करता है, तो इसलिए देयर फॉर विच डू नॉट हैव ए क्लियरली, लेकिन जिन लोगों के पास, जिन ऑर्गेनिज्म के पास लोग न्यूक्लियस नहीं होता और अदर ऑर्गेनिज्म नहीं होते, तो उनके बायोकेमिकल पाथवे, बायोकेमिकल का पाथवे का मतलब है, बायो मतलब जीवित ऑर्गेनिज्म, केमिकल मतलब याद रखना बायोकेमिकल, एक पूरा बायोकेमिस्ट्री का अलग ब्रांच है साइंस की, जिसमें पूरी स्टडी है बायोकेमिस्ट्री की, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी में डीएनए क्या बच्चे केमिकल है, आरएनए केमिकल है, शुगर केमिकल है, ईच एंड एवरीथिंग केमिकल है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में इवन ये शुगर बनेगी, ये टूटेगी, ये सिर्फ कौन कंट्रोल कर रहा है, डीएनए कंट्रोल कर रहा है, अगर हमारी बॉडी में एक इंसान उसकी बॉडी में न्यूक्लियस है, एक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस नहीं है, जिसको कोई और ऑर्गेनिज्म है, तो उसके जो पाथवे होएगी बायोकेमिकल पाथवे हमसे सेम होएगा तो डिफरेंट होएगा, वेरी गुड, बिल्कुल डिफरेंट होएगा, जो आए समझ में, तो उनके क्या होएगा, डिफरेंट डिफरेंट वेज होएगी बायोकेमिकल पाथवे, ये क्यों, क्योंकि उनके पास अलग सिस्टम है, तो इवन सेल डिज़ाइन भी अलग होगा, ठीक है, जिनके पास न्यूक्लियस होता है उन सेल को बोलते हैं न्यूक्लिएटेड सेल, क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल, उनके पास क्या कैपेसिटी होती है कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना सके, क्यों, क्योंकि जब भी याद रखना, जब भी एक सेल डिवाइड होता है सबसे पहले इसका क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस, हमेशा क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस, फिर ये न्यूक्लियस ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है, तो ये न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस इसके पास, सीधी सी बात क्या है, अगर न्यूक्लियस होगा तो सेल को डिवाइड होने में हेल्प मिलेगी, तो सेल क्या बन जाएगा, मल्टी सेलुलर, हम इंसान कैसे है, यूनि सेलुलर या मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, यस वी आर द मल्टी सेलुलर, हमारे पास बहुत ही सारे सेल है, बहुत सारे सेल है ना, देखो हमारी आईज अलग ऑर्गन है, वी हैव ए, समझ रहे हो ना, स्किन भी ऑर्गन है, हाँ सारी जगह सेल ही सेल है, बिल्कुल छोटे छोटे, तो दे कैन, और हर सेल टिश्यू बनाते हैं जो क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं, तो न्यूक्लियस क्या है, बेसिक करेक्टरिस्टिक है किसका, क्लासिफिकेशन का, तो आज हमने बेसिकली किसके बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, तो बेसिक अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप किसके बारे में लिख के आओगे, न्यूक्लियस के बारे में, ये पूरा पैराग्राफ लिख के आओगे। क्वेश्चन है, डू द सेल्स अक्कर सिंगली और दे ग्रुप टूगेदर टू दे लीव एज इंडिविजुअल ग्रुप, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी बॉडी में तो अलग अलग सेल थे, एक ये सेल हो गया, ठीक है, एक ये सेल हो गया, एक ये अलग हो गया, कोई अलग सेल हो गया, तो सबसे अलग अलग सेल है, तो क्या ये इकट्ठे रहेगा जब मिलजुल के रहेगा जब क्या करेंगे, अब ये एक प्रकार का सेल है ना, तो अपने प्रकार के सेल से क्या करेगा, जॉइन होकर टिश्यू बना लेगा, अब ये अलग प्रकार का सेल था, ये टिश्यू बना लेगा, ये अपना टिश्यू बना लेगा, ग्रीन ग्रीन अपना बना, हाँ हाँ वेरी गुड, डेट इज द, तो मेरा कहने का मतलब है कि सेम ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बनाएगी, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट कलर से शो किया कि आपको समझ में आ जाए एक बारी में, तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, तो इसलिए सेल्स क्या बना लेंगे, सेल्स दैट ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, इस प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, कि हमारा हार्ट का काम कुछ और है ऑर्गन का,
लीवर का काम कुछ हो रहा है, स्टमक का काम कुछ हो रहा है, किडनी का काम कुछ हो रहा है, लंग्स का काम कुछ हो रहा है, ठीक है, एब्डोमिनल रीजन का वर्क कुछ हो रहा है, डायफ्राम का काम कुछ हो रहा है, आइस का काम कुछ हो रहा है, नसों का कुछ हो रहा है, तो हर एक ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन हो गया, उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे घर के अंदर हर बंदे का काम बटा हुआ है, लाइक मम्मी का काम लिया, पापा का काम लिया है, बच्चे का काम लिया है, बटा हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को कहेगा कि तू बना रोटी और मम्मी कहेगी आप जाओ स्कूल, ऐसा तो नहीं करते, हर किसी का डिवीजन ऑफ लेबर है, लेबर मतलब काम करने का डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे सेल्स के अंदर डिवाइड कर रखा है उन्होंने। और कौन बात है भाई, तेरा काम है हार्ट को बोलती है, तेरा काम है ब्लड को सर्कुलेट करना, ठीक है, देखने मतलब जी लोगों को, हर को सर्कुलेट करियो, ठीक है, आई बोलती है भाई मेरा काम है देखना, अंदर आके मैं हार्ट सर क्या कहते हैं ब्लड सर्कुलेट नहीं कर सकती, तो हमारी बॉडी में क्या डिवीजन ऑफ लेबर, हर ऑर्गन का काम बटा हुआ है, बहुत आराम से बटा हुआ है हर ऑर्गन, अगर कोई इंसान बिल्कुल सही रहेगा उसका अगर काम बटा रहेगा, किसी और ने दखल अंदाजी दी मान लो हार्ट के अंदर तो सिस्टम खराब। अब ये तो कोई लाइन लिखी हुई है, सेल डेट ग्रुप टुगेदर टू थ्री सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रिंसिपल क्या यूज करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर इन ईच बॉडी डिजाइन, ठीक है, हो सकता है सेल आइडेंटिकल ना भी हो, और ग्रुप ऑफ सेल क्या करेंगे स्पेशलाइज फंक्शन करेंगे, समझ रहे हो, हर किसी का स्पेशल फंक्शन है और हर किसी का क्या है एक बॉडी डिजाइन है हर ऑर्गेनिज्म का, लाइक हमारा बॉडी डिजाइन कुछ हो रहा है, डॉग का कुछ हो रहा है, अमीबा का कुछ हो रहा है, अमीबा में बताती हूँ बच्चे बिल्कुल ऐसे होते हैं, ठीक है, एक ही सेल होता है उसके अंदर, तो ये किसका एग्जाम्पल है अमीबा का। Do organism produce their own food through the process of photosynthesis? तो कौन सी बात है जो प्लांट्स इवन प्लांट्स की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्लांट्स ही क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब प्लांट्स कैसे होते हैं ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं हाँ अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बना रहे हैं जो क्या परफॉर्म कर रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉप, ये आपको हो चुका है बहुत अच्छे से। अब कौन सी बात है फोटोसिंथेसिस कौन करता है प्लांट्स, तो प्लांट्स का बॉडी लेवल अलग होगा हमारा बॉडी लेवल अलग होगा, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है, जैसे कि प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल है क्या है जो क्लोरोफिल है वो लीव्स में होता है, ठीक है, उसका अलग फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, स्टेम का अलग फंक्शन है रूट्स का अलग फंक्शन है, तो ईच एंड एवरी ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है प्लांट्स में भी सिमिलरली हम में भी। वी कैन सी डेट इवन इन दिस फ्यू क्वेश्चन, देखो इन फ्यू क्वेश्चन में क्या क्या द करेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी डिजाइन यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, कि जब भी हम प्लांट्स को क्लासीफाई कर रहे हैं तो किस टाइप का बॉडी डिजाइन होना चाहिए, तो कौसी बात है अगर हम प्लांट्स ही क्लासिफिकेशन करते हैं तो प्लांट्स का बॉडी डिज़ाइन एनिमल्स से तो डिफरेंट होगा, विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, समझे हो ना, क्योंकि बेसिक बॉडी डिज़ाइन डिफरेंट है क्योंकि प्लांट को अपना खाना खुद बनाना है भाई, और प्लांट और एनिमल्स को क्या करना है उनसे एक्वायर उनसे लेके खाना है, तो इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स का बॉडी डिज़ाइन क्या डिफरेंट है, एनिमल्स के पास क्या स्केलेटन है ढांचा है, ठीक है, एनिमल्स के पास स्केलेटन होने का एनिमल्स के बहुत ही सारे सब ग्रुप्स आ गए, और कल हम पढ़ेंगे एनिमल्स के सब ग्रुप्स के बारे में, ये भी समझो कि प्लांट्स एनिमल्स दोनों ही लिविंग है बट दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क है फोटोसिंथेसिस करने का और फोटोसिंथेसिस नहीं करने का, इसलिए उनका बेसिक बॉडी डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट है किसका प्लांट्स का, तो ये हो गया हमारा।